मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं नेहा वर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग पर। तो अभी सुबह का बज रहे हैं 10 बजे। हम लोग ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे थे क्योंकि मेरा 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। मौसम ऐसा किया हुआ था कि मत पूछिए, तो इसीलिए 2 दिन से हम लोग ब्लॉग नहीं बना रहे थे, ना ब्लॉग बना रहे थे ना रील्स बना रहे थे। तो आज सुबह सुबह थोड़ा सा मन ठीक लगा तो हम सोचे कि चलो घर का काम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ एक ब्लॉग भी शेयर करते हैं। तो देखिए हम लोग सुबह सुबह क्या क्या ब्लॉग किए हैं। आपको आज वैसे साड़ी उड़ी पहन के नहीं है, नॉर्मल जो है घर का ड्रेस पहने हुए हैं क्योंकि मेरा शादी का 4 साल हुआ ना, 3 साल 4 साल 4 साल बाद हम नाइटी पहने हैं। अब हम सबके सामने नाइटी पहन सकते हैं क्योंकि मेरे घर में पहले अलाव नहीं था, अब अलाव हो गया है। कुछ रीजन था इसकी वजह से नहीं था, अब अलाव हो गया तब हम हमेशा आपको अधिकतर नाइटी में ही दिखेंगे। नाइटी में मेरा थोड़ा सा काम करने में भी प्रॉब्लम हो, साड़ी में प्रॉब्लम होता था, सूट में भी होता था, लेकिन नाइटी में उतना नहीं होता है। तो ड्रेस होता है पहनना चाहिए सबको, अभी पहनिए। अब बोलो। सुबह सुबह उठ के आज इतना सारा कपड़ा धोए हैं, लग रहा है धोबी का घाट बन गया है मेरे घर। इतना सारा कपड़ा सब अकेले धोए ना, 2 दिन से काम नहीं किए थे घर का कपड़ा, न साफ सफाई ना कुछ भी। आज थोड़ा मन ठीक लग रहा था, हम सोचे कि धो देते हैं, तो सारा कपड़ा धो धा दिए हैं। और ये प्याज भी था हम लोग का, खाना भी वैसा खास नहीं बना रहे थे तो प्याज भी हम लोग का था, तो ये प्याज को भी निकाल के फ्रेश करके रख दिए हैं धूप में, फिर कुछ भी इसका स्मेल हो ठीक हो जाए। और यहाँ पर मौसम इतना ठंडा ठंडा किया हुआ कि गर्मी का नामो निशान नहीं है, बहुत अच्छा मौसम किया, मन भी लग रहा है आज, बहुत अच्छा मन लग रहा है ना। नाश्ता क्या बना रही है? देखिए नाश्ता क्या बना रही है। नाश्ता बन रहा है आलू का भुजिया, क्योंकि सुबह का काम हो रहा था। आलू का भुजिया और रोटी बनेगा। आज सैटरडे है, आज हम बना रहे हैं। इस ब्लॉग को प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए अभी आटा जो है ये सनाएगा आटा रोटी बनने के लिए। सुबह सुबह से उठ के सारा काम कर रहे हैं, कहे कि मौसम भी ठंडा ठंडा था। आज चापाकल हमारे यहाँ बोरिंग नहीं है, मतलब मोटर नहीं है, तो चापाकल से ही सारा काम करते हैं, तो चापाकल चलाना पड़ता, ज्यादा दिक्कत होता है हम लोग को। तो ये लोग रहते हैं तो चला देते हैं पानी, तो हम लोग का थोड़ा सा मेरा सपोर्ट हो जाता है। इसीलिए सुबह सुबह सबसे पहले कपड़ा धोए, उसके बाद ये उठकर सुबह पूजा कर लिए, हमको थोड़ा सा फ्री हो गया। अब आटा सान रहे हैं, नाश्ता में भुजिया बन ही गया है, अब रोटी बनेगा, अब ये नाश्ता करेंगे, नाश्ता बन जाएंगे, नाश्ता करके फिर हम चलेंगे दुकान। हाँ, आप लोग का अगर शॉप टूर अगर पसंद आया होगा तो उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा कि आप लोग मेरा वीडियो को बहुत प्यार कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा देख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू। ये देखिए आटा सना गया है और उसका क्या बोलते हैं, उसका लोई, लोई लोई जो है लुला गया है, मतलब बुला गया है, ठीक है, लुला गया है, ठीक है। हमेशा ऐसे कार्टून वाला बात करते रहते हैं, लोई है जो लुला गया है और रोटी है जो सरकार गया है, रोटी है जो बेला गया है, रोटी है जो बेला गया है। और मेरा रोटी सबसे बड़ा पॉइंट, मेरा रोटी पर कभी कमेंट्स मत कीजिएगा, कहे कि हम रोटी कभी भी है ना गोल नहीं बनाते हैं, मेरा रोटी आज तक कभी गोल नहीं बना है, चाहे आटा कर दे दिए हैं। अब ये हमारे पति देव यानी महादेव जो है चले अब दुकान, देखिए तैयार हो गए हैं, इनका लग रहा है जैसे कोई कंपनी में काम करने टी शर्ट पहने हैं, यूट्यूब के तरफ से मिला हुआ है टी शर्ट, लोगो देख लीजिए। देखे इधर, हेलो, अभी लेट हो रहा है, चलना होगा दुकान में, अभी दुकान चलेंगे, हमारा गाड़ी इस टाइप से निकलेगा, परेशानी होता है गाड़ी को, कि यहां थोड़ा सा हम लोग का घर ऊंचा में बन गया है, ऊंचा में बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
निकालिए लेंगे। और ये तो मिट्टी है जो देखिए इस टाइप से। अभी चले दुकान, आपका आएंगे दुकान के बाद तो कितने बजे दुकान चाहिएगा? 2 बजे आएंगे। 2 बजे। अब बाबू भी नहीं होगी दुकान के अपना चाचा के साथ। तो अब चले दुकान।